देश का पहला एप्पल स्टोर आज मुंबई में खुल गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में एप्पल के इस पहले आधिकारिक स्टोर का उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फीज भी क्लिक की। टिम कुक इस ओपनिंग के लिए कल ही भारत पहुंच गए थे और आज उन्होंने भारत में एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की। इस मौके पर टिम कुक ने मुंबई बीकेसी एप्पल स्टोर का गेट खोलकर इसकी ओपनिंग की और उनके साथ एप्पल के सैकड़ों फैंस और ऑफिशियल्स इस मौके पर मौजूद रहे। इस नए स्टोर की बात करें तो ये स्टोर 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आज 11 बजे से लोग यहां से खरीदारी करने के लिए पहले से ही इंतज़ार में थे। इस स्टोर में 100 सदस्यों की टीम काम करेगी और ये एप्पल स्टोर एक्सक्लूसिव 20 भाषाओं में कस्टमर सर्विस देने में सक्षम है। इसके अलावा एप्पल स्टोर का डिज़ाइन काफ़ी शानदार और एनर्जी एफिशिएंट है। दरअसल इस स्टोर को रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, यानी ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। स्टोर में ना के बराबर लाइट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में मुंबई के बाद अब अगला एप्पल स्टोर गुरुवार को दिल्ली के साकेत में ओपन होगा। दरअसल एप्पल के सीईओ टिम कुक का देश में आगमन 17 अप्रैल को ही हो गया था। ऐसे में उनकी मुलाकात मुंबई के कई कारोबारी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हुई। इस बीच वो बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ वड़ा पाव का आनंद लेते भी दिखे, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शुक्रिया माधुरी दीक्षित मुझे मेरा पहला वड़ा पाव इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ये बहुत स्वादिष्ट था। वहीं जानकारी के मुताबिक टिम कुक पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो 19 अप्रैल को दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर सकते हैं।